नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy F22 versus Vivo Y12G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो F22 में 6.3 इंच जबकि Y12G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो F22 में 2.91 इंच जबकि Y12G में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो F22 में 0.37 इंच जबकि Y12G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो F22 में 203 ग्राम जबकि Y12G में 191 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो F22 में सुपर AMOLED जबकि Y12G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो F22 में 6.4 इंचेस जबकि Y12G में 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो F22 में 83.52% जबकि Y12G में 81.57% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो F22 में 274 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Y12G में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो F22 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Y12G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो F22 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Y12G की बात करें तो उसमें 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो F22 में माली G52 MC2 जबकि Y12G में Adreno 505 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो F22 में MediaTek Helio G80 और Y12G में Qualcomm Snapdragon 439 मिलता है। बात करें RAM की तो F22 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Y12G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो F22 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Y12G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो F22 में अप टू 1TB जबकि Y12G में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी F22 में 6000 mAh जबकि Y12G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो F22 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीज में मिलता है। और बात करें Y12G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 10,699 रुपीज में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
सैमसंग गैलेक्सी F22 में तीन फायदे और तीन नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें वीवो Y12G की तो उसमें सात फायदे और चार नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में F22 आगे है, मेन कैमरा में F22 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में F22 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y12s है, दूसरा Infinix Hot 10 है, तीसरा Xiaomi Redmi 9 Power है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G10 Power है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।